चौबटिया स्थित औद्योगिक प्रशिक्षण और परीक्षण केंद्र में पर्वतीय क्षेत्रों में बागवानी विकास पर 3 दिवसीय कृषक प्रशिक्षण हुआ। यहां किसानों को उद्यान विभाग की विभिन्न योजनाओं की विस्तृत जानकारी के साथ बागवानी का प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण के लिए कुमाऊं मंडल के काश्तकार चौबटिया में जुटे हैं। को बता दें कि चौबटिया में कुमाऊं मंडल के काश्तकारों को नई तकनीक की जानकारी देने के लिए 3 दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें कुमाऊं मंडल के हर जिले से 5-5 काश्तकारों ने भाग लिया। द्वारा संयुक्त निदेशक डॉक्टर बी के गुप्ता सहित कई वैज्ञानिकों और अधिकारियों ने एप्पल मिशन, मून पालन, मशरूम और चेरी उत्पादन सहित सेब के पेड़ों के बारे में जानकारी दी। वहीं चौबटिया गार्डन में प्रधान सहायक नारायण सिंह राणा ने काश्तकारों को फलों में लगने वाली बीमारी और सेब उत्पादन की नई नई तकनीक के बारे में जानकारी दी। साथ ही संयुक्त निदेशक ने कहा कि कुमाऊं मंडल के विभिन्न जिलों से 5-5 काश्तकारों ने हिस्सा लिया, जिन्हें मशरूम, सब्जी, सेब और अन्य फलों के उत्पादन और उनमें लगने वाली बीमारियों के बारे में जानकारी दी। रानीखेत से गोपाल सिंह बिष्ट की रिपोर्ट। ये कुमाऊं मंडल के सभी जनपदों से हैं 5-5 कृषक। इसके बाद दूसरे चरण में जो लोग बच गए वहां से बुलाए जाएंगे एंड गढ़वाल मंडल के कृषकों को भी प्रशिक्षण दिया जाएगा। ये जो ट्रेनिंग है ये औद्यानिक फसलें, टेम्परेट फ्रूट्स, वेजिटेबल, उनके पोषक प्रबंधन, उन पर लगने वाली बीमारियाँ और उनके पोस्ट हार्वेस्ट की टेक्निक और नवीनतम इंटर स्टॉक विधि से पौधा तैयार करने की जो प्रजाति विधि है वो कृषकों को उसके लिए तैयार कराया जाए।